हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप इस बार नहीं मिल पाया है। गलती कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की है, चाहे जिसकी भी हो, लेकिन बच्चों को तो स्कॉलरशिप नहीं मिला। उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वैसे बच्चे जो कि कॉलेज की गलतियों की वजह से जिनका स्कॉलरशिप रुका है, उनके साथ क्या होगा, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के साथ क्या होगा, ओबीसी माइनॉरिटी वैसे बच्चों के साथ क्या होगा, क्योंकि एससी एसटी वाले बच्चों को तो मौका फिर से एक बार मिल गया है करेक्शन करने के लिए, लेकिन उन लोगों का क्या होगा, उस पर आज हम बात करेंगे। उसी से रिलेटेड जो है ये इन्फॉर्मेशन आई है, और आप लोगों का जिन जिन लोगों का पेमेंट फेल हुआ है उन लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हो हम आपको देते रहे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यूपी स्कॉलरशिप मार्च खत्म हो चुका है, अप्रैल खत्म हो चुका है, मई स्टार्ट हो गया है, पैसा अभी भी बहुत सारे बच्चों का अटका हुआ है। पैसा अटका हुआ है तो आएगा कब? अब बात ये हो रही है कि चुनाव स्टार्ट हो चुका है, इलेक्शन स्टार्ट हो गया है, इसीलिए उन बच्चों का जिनकी जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से उनको पैसा नहीं मिल पाया है, उन लोगों को इलेक्शन के बाद यानी कि जून महीने में उन पर फैसला लिया जाएगा। फैसला भी नहीं लिया गया अभी, फैसला भी आपको जून महीने में ही लिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने पर निर्णय अब लोकसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। समाज कल्याण विभाग की कोशिश है कि इन्हें छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाए। एक्चुअली में इनके साथ ये हुआ था कि 18 जनवरी को जो फॉर्म फिल करने के लिए बोला गया और उसके बाद से लॉक करने के लिए बोला गया था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, सर्वर इश्यूज हुए थे, फिर उसके बाद से कॉलेज वाले नहीं कर पाए उसकी वजह से। तो इन सभी कारणों की वजह से 77,352 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है। अब सोचो, इसीलिए इस बार जनरल कैटेगरी का पैसा जो है बचा हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, फंड खत्म नहीं हुआ है जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 18 जनवरी 2024 तक छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरे गए। फॉर्म भरने के दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर से हुई लापरवाही को और या फिर सामान्य वर्ग के 77,352 छात्र छात्राओं को जो है इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए। अब इसके लिए जो है ये कदम उठाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि जून में इनके लिए पोर्टल ओपन होगा या नहीं। अभी देखो, अभी इस पर डिसीजन नहीं आया है, बोला जा रहा है कि डिसीजन लिया जाएगा जून में। अभी इस पे जो फैसला हुआ था 19 अप्रैल को जो बैठक हुई थी, उसमें इसमें उस बैठक में कोई भी डिसीजन नहीं निकल पाया, तो फिर से एक बैठक होगी इसको लेकर के और फिर ये सोचा जाएगा कि उन बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये बात है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल भी रहे थे कि 26 अप्रैल से 3 मई तक के लिए जो पोर्टल ओपन हुआ है करेक्शन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी बच्चों के लिए हुआ है, तो बाकी बच्चों के लिए क्या है? तो ये चीजें जो है देखने में आ रही है। अब इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको देते रहेंगे। अब होगा नहीं होगा, आगे चल के बैठक होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा देने के लिए या नहीं लिया जाएगा, उस पर भी हम आपको बात जो है बताते रहेंगे। फिलहाल जो है ऐसे बच्चे जिन लोगों का जो है पेंडिंग में था, उनका स्टेटस जो है वेरीफाई हो रहा है, कुछ का वेरीफाई कुछ का रिजेक्ट हो रहा है, और साथ ही साथ एससी एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे थे जिनको करेक्शन करने का एक बार फिर से मौका मिला था, उन लोगों ने करेक्शन करके सबमिट किया है, बट क्या ये काम भी स्मूथली हुआ? तो नहीं, इसमें भी जो है सर्वर बहुत डाउन रहा, बच्चों ने जो है अपना काम किया है बहुत परेशानियों के साथ, लेकिन काम अभी खत्म हो गया, 3 मई तक का टाइम था, खत्म हो गया है। अब बात आती है वैसे बच्चों के लिए जिनका अभी भी वेरीफाइड है, उनका अभी तक पैसा नहीं आया, आएगा या नहीं आएगा। एक उम्मीद आप लोगों के लिए है, जिनका जिनका वेरीफाइड है उनका पैसा पीएफएमएस तो पहले चेक करते रहो, जिनका भी वेरीफाइड है वो पीएफएमएस पर जाकर के चेक करते रहिए कि वहां पे अपडेशन क्या दिखा रहा है। अगर वहां पर अपडेशन में आपको वैलिडेटेड और अमाउंट शो होने लगे तो इसका मतलब कि कुछ दिनों में आपका पैसा आ जाएगा। तो ये उम्मीद आप लोगों की, एक उम्मीद आप लोगों की है जिनका वेरीफाइड है। जिन जिन लोगों का पैसा भेजा गया था एक बार और फेल्ड हो गया, चाहे
चाहे पेटीएम वाले बच्चे हो चाहे दूसरे वाले हो, उन लोगों के लिए अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल कर आ रही है। यही बोला जा रहा है क्योंकि एक बार पैसा भेज दिया गया था, फेल्ड हो गया है, तो अब दोबारा कोशिश नहीं की जाएगी। बच्चे लगातार लगे हुए हैं, अपने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्योंकि देखो अगर पैसा नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना कैसे फॉर्म फीस जो है कॉलेज का कैसे भर पाएंगे। उस स्कॉलरशिप के आधार पर ही जो है उन्होंने एडमिशन लिया है। तो ऐसे बच्चे भी इसमें बहुत देखने को मिल रहे हैं, बच्चे अपना अपना एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। तो जिन लोगों का फेल्ड हुआ है वो लोग जो है अपना एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डालिए और जाकर के रिक्वेस्ट कीजिए। आप कहाँ कहाँ डाल सकते हैं तो मैं बता देती हूँ, आप लोग जो है डीएम ऑफिस में एक डाल दीजिए रिक्वेस्ट कि सर हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, प्लीज़ हमारे हमें स्कॉलरशिप दिलवाने का कष्ट करें। एक वहाँ पर डालिए, एक आप लोग जो है आप अपने जो स्कॉलरशिप विभाग यानी समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर डाल दीजिए। देखिए देने का ये मतलब नहीं कि वहाँ से काम होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये हर जगह फैलनी चाहिए कि ये चीज़ें आपके साथ हुई है। तो एक समाज कल्याण विभाग में, एक डीएम ऑफिस में, और आप लोगों ने 1076 पर किया ही होगा, और पीआईएल डाल दीजिए। इस तरह से रिक्वेस्ट कीजिए, ट्विटर का यूज़ कीजिए, वहाँ पर रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें जो है मिलना चाहिए। और जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे साथ आप लोग जुड़ रहे हो, हमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, तो हमें भी लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें करके देखो, अगर इससे फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिलहाल जो है यही चीजें यूपी स्कॉलरशिप में है। इससे रिलेटेड कोई भी और अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।